तो हेलो नमस्ते कन हालचाल कैसे छ तुम। तो दोस्तों आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो रुड़की बेस्ड एक बैंड है जो कि रुड़की ओरिजिनल्स के नाम से मशहूर है और इनकी कई सारी एल्बम्स अभी तक आ चुकी हैं जिनको आप इनके यूट्यूब चैनल में जाके या फिर और भी कई प्लेटफॉर्म्स में जाके सुन सकते हैं। तो आइए हमारी नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं रुड़की ओरिजिनल्स के साथ। आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? दिस इज विप्लव सैनी फ्रॉम रुड़की ओरिजिनल्स। मैं रैपर हूँ और लिरिक्स लिखता हूँ अपने बैंड के लिए और वीडियोग्राफी करता हूँ। हमारे बैंड में टोटली 5 मेंबर्स हैं, नेमली मनु प्रताप हमारे लीड वोकलिस्ट, आशीष गिरी a.k.a. हाइड्रो म्यूजिक्स वो हमारे सॉन्ग्स बनाते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग बीट एवरीथिंग रिलेटेड टू जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर वर्क है ऑडियो का सब वो करते हैं। देन देर इज उमेश नेथानी वो हमारे लीड गिटारिस्ट हैं एंड देन देर इज बनी भाई हमारे, तो बनी भाई हमारे ड्रमर हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर आए कैसे? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना बैंड सो वी थॉट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आज की डेट में YouTube, Spotify, Instagram एंड देयर आर मैनी अदर एप्स इनसे बेहतर जगह नहीं है जहाँ पर लोग आपको सुन सकते हैं। सो आप हमारे किसी भी मेजर प्लेटफॉर्म पर सर्च करिए रुड़की ओरिजिनल्स, आपको हमारे गाने मिल जाएंगे और कुछ गाने लोगों ने बहुत पसंद किए हैं जैसे जियो सावन पर हमारा सॉन्ग है मेरे वतन, इट गॉट अराउंड 12,000 स्ट्रीम्स एंड वी वर ब्लोन अबैक लास्ट वीक वी चेक्ड इट। सो वी आर गेटिंग अ रियली गुड रिस्पांस फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। अपनी जर्नी के बारे में जरूर कुछ बताएं। सो बेसिकली आवर जर्नी स्टार्टेड व्हेन वी वर इन क्लास 10, देयर वाज अ गाय आशीष गिरी बेसिकली, सो वो रैप कर रहा था और सब बहुत खुश हो रहे थे उसके रैप सुन करके। सो आई वेंट टू हिम एंड सेड कि यार मेरे को भी सिखाओ। आफ्टर दैट मनु केम इन टच विद अस, मनु शुरू से ही सिंगिंग करता है आया है स्कूल में और अभी वो DPS में म्यूजिक टीचर भी है। वी फॉर्मड आवर बैंड व्हेन वी वर इन 11th और 12th एंड फ्रॉम द लास्ट 3 or 4 ईयर्स वी आर वर्किंग वेरी एग्रेसिवली टू मेक आवर बैंड अ कम्प्लीट वन, जहाँ पर हमने उमेश नेथानी जी जो हमारे लीड गिटारिस्ट हैं, बनी भाई जो हमारे साथ ड्रम बजाते हैं पैड्स पर, उनको हमने अपने साथ जोड़ा और हमारी कोशिश यही है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? तो अगर फेवरेट सिंगर्स की बात करें तो सबके अलग अलग फेवरेट सिंगर्स हैं। पर्सनली मेरा पूछा जाए तो आई लव्ड टेक 9 बिकॉज वही था जिससे हमने रैप करना स्टार्ट किया था और आज की डेट में अगर हम देखें तो देर इज प्रतीक कुहट, आई लाइक हिम वेरी मच, देर इज जुबिन नोटियाल बहुत ही अच्छा गाते हैं एंड देन देर इज मनु प्रताप मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। रुड़की ओरिजिनल्स को लेकर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अपने गाने जो हमने आज से 10 साल पहले अपनी डायरीज में लिखे थे जब हम 11, 12 में हुआ करते थे वो हम बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाए बिकॉज एट दैट टाइम वी लिटरली लॉट समथिंग। उस वक्त हमने जो भी कुछ लिखा था वो बिल्कुल दिल से लिखा था और वो कच्चा लिखा था काफ़ी, मतलब बहुत ही हम इमेच्योर कह सकते हैं, नॉविस थे उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको थी नहीं, बट जो हमने गाने लिखे हैं उस वक्त में दे आर द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ आर लाइफ टिल डेट। अभी हमने रिसेंटली एक सॉन्ग भी गाया था हमारा रैप सॉन्ग वो लॉकडाउन के दौरान हमने किया था, तो मनु एक दिन डायरी मिली उसको अपनी पुरानी, उसमें वो गाना मिला और हमने उसको फिर दोबारा से रिक्रिएट किया आज के टच के हिसाब से। तो ये हमें उम्मीद है कि हमारे गाने जो हमने लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आप लोगों को और हम कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपने गानों की EP निकालने। हमारे व्यूअर्स को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। प्लान्स तो यही है कि अभी फिलहाल रुड़की में लोग हमें जाने बिकॉज हम रुड़की से बिलोंग करते हैं, हमारे बैंड का नाम भी रुड़की ओरिजिनल्स है और हम ये चाहते हैं कि वन ऑफ अ काइंड जो रुड़की से बैंड निकला है वो आए और हमारे प्लान्स ये है कि पहले हम रुड़की को कवर करें अच्छे से, उसके बाद उत्तराखंड और फिर अगर साथ रहा आप सबका या लोगों का या भगवान का सर पे हाथ रहा तो हम फिर नेशनल भी कवर करेंगे। और अभी फिलहाल जो प्लान्स है हमारा नेक्स्ट ईयर तक का वो एक EP करने का है कोलैबोरेशन में, सो हम ट्राई कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की, जैसे एक हमें गढ़वाली सॉन्ग है गढ़वाली सॉन्ग पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनका म्यूजिक बना रहे हैं, एक भाई हमारे शायर हैं वो शायरी करते हैं बहुत अच्छी तो उन्होंने गाना लिखा है उनके साथ हम कर रहे हैं, एक हमारे भाई हैं एबनर भाई हैं वो बहुत अच्छा रैप करते हैं तो उनके साथ एक गाना करने वाले हैं और ऐसे ही 3-4-5 लोग एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि कोलैब कर सकें और एक EP इस ईयर के एंड तक हम निकाल सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसी तरह की कई नॉर्मल बातचीत आपके लिए हम लाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत पर।